हाय दोस्तों, आज हम सिखाएंगे ड्रॉयर कैसे बनाते हैं और ड्रॉयर चैनल उसके साथ सेट कैसे करते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे ड्रॉयर बनते हैं और उसका चैनल लगाते हैं। तो फर्स्ट देखो, आपको वो जो ड्रॉयर का चैनल है उसको पहले सेटिंग कर लेना है। उसके बाद एक 6 mm का प्लाई आपको ले लेना है और उस 6 mm को उसके साथ मिलवा लेना है। तुम्हारा ड्रॉयर इजी चलने लगेगा। तो पहले हम ड्रिल से इसको थोड़ा होल कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर के साइड से हमारा जो पट्टा काटा हुआ है ड्रॉयर का, वो पट्टा हम लगाने वाले हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप हम दिखा रहे हैं भाई। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही रिलेटेड वीडियो आगे भी मिलता रहेगा। इसलिए भाई वीडियो को लाइक कर दो, और भाई वीडियो पसंद आता है तो भाई वीडियो दोस्तों में शेयर करो। तो चलो भाई देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे ड्रॉयर बनता है और उसके साथ ड्रॉयर चैनल जो हम सेटिंग करते हैं वो कितनी इजीली हम सेटिंग कर देंगे। देखो देखो उसका पट्टा कटा हुआ है। पहले देखो अंदर का साइड का जो माइका है ना, वो तुमको पहले से उसको पेस्ट कर लेना है, क्योंकि देखो बाद में अगर पेस्टिंग करते हो तो भाई तकलीफ होगी अपना अंदर के साइड सनमाइका को लगाने। ठीक है, वो तुमको थोड़ा बहुत तो कष्ट गिरेगा ही, लेकिन भाई अगर तुम पहले से माइका लगा लेते हो तो भाई ड्रॉयर बनाने के लिए तुम्हारा आसान रहेगा। चलो देख लेते हैं, इसको पहले फेविकोल लगा लेते हैं, दोनों को पेस्ट लगा लेते हैं, क्योंकि देखो अगर चीट इस पर लगाते हैं तो वो चीट अच्छे तरीके से इसको पेस्ट करना है, क्योंकि देखो ड्रॉयर जितना सख्त बनेगा वो तुम्हारा मतलब बिना हिले डुले तुम्हारा जो ड्रॉयर चैनल है उसका साथ आसानी के साथ सेटिंग हो जाएंगे। तो चलो भाई देखते हैं, पहले तो हम इसको आराम से पेस्ट लगा लेते हैं। तो पहले आराम से इसको पेस्ट लगा लेने के बाद हमको इसके साथ कांटे से जोड़ लेना है। ठीक है, देखो एक के बाद एक कैसे हम लगा रहे हैं वो पहले आराम से देखो, स्टेप बाय स्टेप हम दिखा रहे हैं। थोड़ा सा भी वीडियो को अगर स्किप करोगे तो भाई वीडियो में तुमको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, तो इसलिए भाई पूरा वीडियो देखो, तुमको एकदम आसानी से तुम्हारा जो आगे के साइड जो सामने के पोजिशन है उसमें तुम्हें 1.5 इंची गैप रख देना है। तुम्हारा जो 6 mm प्लाई है वो 1.5 इंची आगे के तरफ तुमको रखना है, क्योंकि आगे का मुँह शॉट जो लगेगा वो है 18 mm का प्लाई। तुमको आगे का साइड 18 mm पूरा का पूरा तुमको छोड़ देना है। देखो उसके बाद से हम सेटिंग कर रहे हैं अपना काटा मार के, वो जो नीचे का पट्टा लग रहा है द्वार का, जो चारों तरफ का जो पट्टा है उसको अगर सही ढंग से तुम सेट कर लेते हो तो भाई द्वार बनाने का कोई मतलब कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और वो देखो जो मैं दिखा रहा हूँ जो टेबल पे चैनल लगा हुआ है, पहले उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो उसमें जो पट्टा लगा हुआ है ना, जो ड्रॉयर चैनल मैंने पहले क्यों फिटिंग कर दिया, क्योंकि पहले अगर तुम लगा लेते हो उसमें, ठीक है, अपने हिसाब से लगाना। देखो कितने इंची का तुमको ड्रॉयर बनाना है, जैसे मैं मान लो मेरा सामने का पोजीशन है 5 इंची और जो अंदर का साइड है वो 4 इंची है, तो तुमको वो अंदर का साइड का हिसाब से रखना है। तो मैंने 1.25 इंची का जो नीचे का तरफ अपना सीधा करके 1.25 इंची में मैंने सेटिंग किया है अपना चैनल, इतनी आसानी से मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि देखो मैंने तो चैनल पहले से अंदर के साइड लगा के रखा है और सिर्फ इस साइड हमको लगा लेना है अपना ड्रॉयर चैनल। देखो बन के रेडी हो गया इजीली, अब कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरा आराम से ड्रॉयर बन के जो चैनल है वो ड्रॉयर सेटिंग आराम से हो जाएंगे। देखो इसे चैनल वो जो क्लिप है वो बाहर का साइड एक क्लिप है, वो देखो वो क्लिप को तुम नीचे का साइड खींचते हो या ऊपर का साइड खींचते हो तो तुम्हारा चैनल निकल के बाहर आ जाएंगे, वरना वो नहीं आती है। तो पहले ड्रॉयर का जो चैनल है वो पहले देखो हम अंदर का साइड एक सूत अंदर रख के हम सेटिंग करेंगे। ठीक है, एक सूत क्योंकि 16 इंची का हमारा चैनल है, एक सूत अगर तुम अंदर के साइड रख के इसको सेटिंग करते हो तो भाई तुम्हारा इजीली तुम्हारा ड्रॉयर जो चलने लगेगा। और जो तुम्हारा नीचे का जो 6 mm है ना, वो 6 mm
और एक सिप से मतलब तुम्हारा नीचे से हाफ इंची मतलब 4 सूत ऊपर करके तुमको इसको सेटिंग करना है। ठीक है, देखो मैं जैसे दिखा रहा हूँ, पहले तो नीचे तुम्हारा जो चैनल है ना, वो चैनल तुम्हारा 400 या 300 तुम अगर रखते हो तो तुम्हारा चैनल आराम से चलने लगेगा। मैं जैसे दिखा रहा हूँ, मैं रखा हूँ 400, तो भाई देखो दोनों तरफ मैंने लगा लिए हैं। अब देखो कितनी आसानी से हम इस चैनल को पोजीशन करेंगे और ये चलने भी लगेगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। देखो अगर पोजीशन करके तुम इसको लगा लेते हो तो देखो कितनी आसानी से हमारा जो ड्रायर है वो कितनी आसानी से चलने लगेगा। देखो कोई दिक्कत भी नहीं है, इसको पोजीशन कर लिए। अब देखो इसको थोड़ा सा धक्का लगा के हम सेटिंग करते हैं। देखो ये अंदर के साइड चले गए। अब देखो कितनी इजी से हमारा ड्रायर चलने लगा है। अब हमको पूरा का पूरा जो ड्रायर है उसको बना लेना है पूरा का पूरा। देखो कितनी इजी तरीके से ये ड्रायर चलने लगा है, कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। इतनी आसानी से हमारा ड्रायर बन के तैयार हो गए हैं। अब हमारा जो सामने का जो पोजीशन है उसको आप सेटिंग कर लेना है, क्योंकि सामने का जो पट्टा है उसको लगाना है, जो 1.25 इंची हमने छोड़ के जो सेटिंग किए थे। अब देखो यहाँ पे वो बैठ जाएंगे। देखो अपना जो ड्रायर का पोजीशन है वो पहले देख लेते हैं कैसे सेटिंग हुआ है। देखो चैनल हमने पूरे का पूरे नीचे हाफ इंची मतलब 4 सूत नीचे करके इसको लगाया है, पूरा पक्का 4 सूत इसको नीचे करके थोड़ा सा लगाया है। अब देखो अब नीचे कर लिए, अब इसको तैयार करेंगे इसके साथ। देखो अगर तुम्हारा ठीक से अगर पोजीशन होना तो तुम्हारा जो ड्रायर है वो आराम से चलने लगेगा और तुम्हारा ड्रायर के लिए ज़्यादा परेशान भी नहीं होने पड़ेगा, एकदम इजीली तुम्हारा ड्रायर चलने लगेगा। अब देखो इसको पहले होल कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको साथ उसको सेटिंग करेंगे। पहले हम इसको साथ इसको पेस्ट लगा लेते हैं, थोड़ा बहुत पेस्ट अगर लगा लेते हैं ना तो भाई फिर मज़ा आ जाएंगे, क्योंकि देखो पेस्ट अगर आसानी से तुम लगाते हो तो भाई जो तुम्हारा काम है ना वो कभी बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि देखो मैंने आसानी से साथ इसका पेस्ट हमने लगा लिए। अब देखो कितनी आसानी के साथ हम इसको सेट करेंगे, क्योंकि देखो क्योंकि मटाम से देख लेना है इसको, मटाम से अगर देख लेते हो ना तो भाई तुम्हारा जो मतलब सीधा रहता है ना तो वो बिगड़ेगा कभी नहीं, तो पहले उसको ठीक करना चाहिए। और देखो हम ड्रिल से होल करके कांटा भी लगा लिए। अब आगे का साइड जो सामने का पोजीशन है वो अपना ड्रायर जो है वो बन के तैयार हो गए हैं, और पीछे का साइड हमारा काम थोड़ा सा बाकी है। अगर हम पीछे का साइड भी थोड़ा सा उसको रेडी कर लेते हैं तो भाई हमारे ड्रायर जो है वो बन के जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएंगे। तो देखो भाई वीडियो जो है टेबल का ड्रायर जो है, अगर तुम्हारा प्रोसेस अगर अच्छा रहेगा, मैंने ये वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन भाई प्रोसेस पूरा इजीली हम सब कुछ दिखाए हैं भाई वीडियो पे। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन भाई टोटल एवरीथिंग जो एक ड्रायर बनाने में जो टाइम लगता है और जो सेटिंग करते हैं कितनी इजी तरह से, कोई तकलीफ भी नहीं होगी, आपका ड्रायर बन के तैयार हो जाए। देखो सामने का साइड हमने सेटिंग कर ली है, आप रह गया है भाई पीछे का साइड। अब देखो पीछे का साइड कितनी आसानी के साथ हम पीछे का साइड क्योंकि चेक कर लेना ज़रूरी है। देखो सामने का पोजीशन जो है वो चेक कर लेना ज़रूरी है, कहीं काटा मोटा छूट गया तो भाई देखो ड्रायर बनाने में और भी तकलीफ़ होंगे। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, क्योंकि देख लो भाई ड्रायर बनाने में एकदम इजीली अगर तुम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हो ना तो भाई ड्रायर बन के तुम्हारा इजीली रेडी हो जाएंगे। देखो मैं इसको कटिंग किया, अब इसके बाद इसके साथ हम सेटिंग करेंगे इसको, और सेटिंग करने के बाद तुमको पूरा जो हमारा ड्रायर है वो एकदम इजी बन के तैयार। ठीक है, देखो इसको काटिंग कर लिए, अब इसके साथ हमको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद अब देखो